अमेजोन से एक एनीमे का स्टैचू। आइए इसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। और आप इसको खोलते हैं, एक्चुअली मैंने इसको पहले ही खोल दिया है, तो जस्ट हम अभी इससे खोलने जा रहे हैं। तो हटाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं ये हमने गोकू का स्टैचू मंगाया है। ये हटाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं ये है कुछ इसके फायर्स। ये है इसका स्टैंड जो कि कुछ फ्लेम की तरह दिखता है। और ये है हमारा स्टैचू जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हमें सबसे बड़ा काम करना है कि अब इसे असेंबल करना है। जैसा कि बॉक्स में कुछ हमें दिया नहीं गया है गाइडलाइन कैसे अटैच करना है, तो अब हमें खुद ही देखकर इसको अटैच करना पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम इसको अटैच करना। तो हम पहले इसको इसके बॉटम में लगा देते हैं। सबसे बहुत दम लग रहा है इसमें क्योंकि ये फुट मैं भी पहली बार ही मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं इसका हमने पैर बहुत ही मुश्किलों के साथ इसको अटैच कर दिया है, जिसमें काफ़ी सारी एनर्जी लग गई है मेरी। अब हम रहे इसको अटैच करते हैं। नीचे शायद ये वाला लगेगा, इसको भी अटैच करते हैं। तो ये है इसके पीछे का पार्ट। ये लग गया। अब दूसरा है, जाना तो इसी को ही है। जैसा कि ये चला गया है, ये हमने आधा अटैच कर दिया है बहुत मुश्किलों के साथ। चलिए हम इसमें भी ये अटैच कर लेते हैं। अब तो ये कुछ ऐसा अटैच हो गया है। ये रहा इसका दूसरा वाला पार्ट। ये भी अटैच हो गया है। तो हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि फाइनल लुक कैसा दिखता है। ये चला गया है हमारा गोकू जो हमारा कुछ ऐसा लुक का है।
जैसा देख सकते हैं ये हमारा गोकू अभी फिट हो गया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और शायद मैंने थोड़ा कुछ गलत कर दिया है, इसलिए वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो आइए हम इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये गया इसमें फिर से, जैसा कि देख सकते हैं हमारा गोकू अब असेंबल हो चुका है। चलिए हम इसको इसमें थोड़ा लाइट चला के देखते हैं कि कैसा दिखता है इसके अंदर, अगर हम लाइट देते हैं तो।